गुड इवनिंग सभी साथियों को, मनोज चंचला, रोहन सरवन, शिवा, विवेक, नैन्सी प्रजापति, अमित, सही बच्चों को बहुत सारा गुड इवनिंग, बहुत सारा प्यार। जल्दी जुड़ जाओ फटाफट। और आज आपको पता होगा, फ्राइडे सैटरडे हमने अनाउंस किया था कि फ्राइडे सैटरडे दो चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, क्या? रीजनिंग, और मंडे टू थर्सडे जीएस। ठीक है, जल्दी से आ जाओ फटाफट। राम राम बंटी, चंचला, कृष्णा, राजकुमार, इंडियन म्यूजिक, संजय, रवि, सोनम, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सही बच्चों को, गुड इवनिंग, फटाफट आ जाओ, बहुत बढ़िया बेटा। चलिए, कांता, सतीश, राजकुमार, अरे भाई आज जल्दी जुड़ जाओ फटाफट। मुस्कान, प्रशांत, चलिए नीतू, हाँ आदित्य प्रकाश, JBR फिल्म, रचना भारती, चलिए बहुत बढ़िया। फटाफट वीडियो को शेयर कर दो ज्यादा से ज्यादा संख्या में। बहुत ही गजब के टॉपिक कंप्लीट करते हम लोग आज, बहुत ही जबरदस्त तरीके से। निधि यादव, नीतू, चलिए हाँ, रचना जी कह रहे हैं अंबू सराज ऑनलाइन है, अंबू सराज नहीं आ पाए ऑनलाइन, ठीक है। चलिए चंद्रेश, सही बच्चों को गुड इवनिंग, आशीष, नैन्सी, सभी लोग जुड़ गए हैं, बहुत बढ़िया बेटा। सुनीता, शैलेंद्र, चलो तो रीजनिंग में आपको पता हो ना, मैंने बताया था आपको ऑलरेडी कि हम लोग क्लॉक का चैप्टर पूरा क्या कर लिए थे, समाप्त कर लिए थे। किसका? क्लॉक का। तो आज हम लोग अगला जो टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं, वो क्या कंप्लीट कर लेते हैं, तो बात समझना बहुत ध्यान से। अगला टॉपिक हम लोग कंप्लीट करते हैं डाइस। हमने बोला था कि पहले हम लोग वो टॉपिक कंप्लीट करेंगे जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, जो आपके NTPC, रेलवे, UP एग्जाम, सारे एग्जाम में पेपर में प्रश्न आ रहे हैं। ठीक, शिवानी, प्रेम सिंह, आशीष, चलिए नाहिद, चलिए फटाफट वीडियो को सभी लोग लाइक कर दो भाई, जितने लोग देख रहे हो ना वीडियो को लाइक कर दो जबरदस्त तरीके से, बहुत बढ़िया बेटा, क्या बात है। हाँ फटाफट सभी लोग जुड़ जाओ। प्रेम सिंह, आपका नाम हमने ले लिया। चलिए डाइस चैप्टर सब लोग लगा लेते हैं, और जो लोग पढ़ चुके हैं वो लोग रिवीजन कर लेंगे, और जो लोग नहीं पढ़े हैं वो बिल्कुल बेसिक से एक एक कॉन्सेप्ट देखेंगे और एक एक चीज समझेंगे। बहुत मजा आने वाला डाइस चैप्टर है। आपको पता होना चाहिए डाइस, आपने पासा तो देखा ही होगा, लूडो वाला पासा तो देखा ही होगा भाई, ठीक है। तो जब पासा देखा होगा, पासे की आकृति कैसी होती है? पासे की आकृति एक प्रकार से आप कह सकते हो थ्री डायमेंशन होती है, थ्री डायमेंशन होती है किसकी? पासे की शेप, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए थ्री डायमेंशन मतलब यह त्रिमीय आकृति है, इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या होती है? तीनों सेम होती है, तीनों क्या होती है? सेम होती है, किसकी? पासे की। चलिए बहुत बढ़िया, हिमांशु, आर्यन, सलुद्दीन, सही बच्चों को बहुत बहुत प्यार, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, जल्दी जल्दी जुड़ जाओ, जल्दी से बहुत ही जबरदस्त तरीके से पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सेम हो, और थ्री डायमेंशन मतलब त्रिविमीय आकृति, त्रिविमीय आकृति जिसमें तीन विमा हो, उसको वही है पासे की आकृति। और आपको पता होना चाहिए टोटल स्पेस सरफेस कितनी होती है पासे में जो होती है टोटल, तो याद रखिएगा छह सरफेस, मतलब छह फलक, कितने फलक? छह फलक। और आपको पता होना चाहिए छह फलक में क्या इंपॉर्टेंस रखता है, सबसे बड़ी चीज कि आप अपना रूम ले लो, आप अपना रूम ले लो, वो भी एक पासे का ही प्रकार है। क्या है? एक पासे का ही प्रकार है। जैसे आपको पता होना चाहिए ये आप पासा बना लो, ठीक है, ये आप पासा एक बना लो, ये रूम। अब ये जैसे मान लो आपके फ्रंट साइड है, फ्रंट साइड, तो अगर आप रूम में लो और ऊपर वाला साइड कौन सी है? छत, मतलब टॉप साइड, ऊपर हिस्सा, और इधर राइट साइड मतलब दाया। तो आप एक चीज बताओ, इसका एक फ्रंट का पिछला हिस्सा होगा मतलब बैक साइड, तो आपको पता हो गया फ्रंट का क्या हो गया? बैक होगा, और टॉप मतलब ऊपरी हिस्सा है तो टॉप का क्या होगा?
नीचे मतलब बॉटम हो जाएगा और राइट है तो इसके अपोजिट साइड क्या हो जाएगी, वो लेफ्ट हो जाएगी, क्या हो जाएगी लेफ्ट। तो कुल मिला के आपको पता चल गया कि पासे में टोटल छह सरफेस होती हैं, जिसमें तीन विजिबल मतलब तीन दिखाई देती हैं और तीन नहीं दिखाई देती हैं, तीन दिखाई देती हैं और तीन नहीं दिखाई देती हैं, ठीक है। तो आपको इतनी बेसिक सी जानकारी पता चल गई। जो दिखता है जैसे फ्रंट टॉप राइट जो चीजें दिख रही हैं, ठीक है, तो उसके बारे में बताते हैं, जो नहीं दिख रहे उसके बारे में आपको बताते हैं। सही बच्चों को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बच्चा, सभी बच्चों गुड इवनिंग। बस ध्यान समझते रहो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करते रहो भाई, तभी मजा आएगा, ठीक है। चलिए चलिए, इतनी बात समझ में आई। अब देखो अभी आगे बात समझते बहुत ध्यान से। तो जैसे आप कमरा ले लो अपना, जहां आप कमरे में बैठे हो, तो कमरे में एक दीवार ये दिख रही है, एक दीवार ये दिख रही है, तो इससे जुड़ी दीवारें कौन कौन सी हो सकती हैं? ये वाली दीवार ऐसे जुड़ी है, ये जुड़ी है, ऊपर जुड़ी है, नीचे जुड़ी हुई है। लेकिन जो ऐसे दीवार है, ये दीवार इसके इस कमरे के सामने वाली दीवार, वो इससे जुड़ी नहीं है। तो कुल मिला के आप कह सकते हो कि इसकी अपोजिट क्या होगी, उसके सामने वाली दीवार होगी। और बाकी ये वाली और ये वाली ऊपर ऊपर नीचे, ये अपोजिट तो होंगे नहीं, क्या होंगी, पड़ोसी होंगी। तो कुल मिलाकर बात समझना बहुत ध्यान से भाई, क्या समझोगे कि पासे में मतलब डाइस में आप कह सकते हो इसमें किसी भी सतह की चार क्या होती हैं, चार पड़ोसी सतह होती हैं, किसी भी सतह की चार पड़ोसी सतह होती हैं और एक एक विपरीत सतह होती है, एक विपरीत सतह होती है, चार क्या होती हैं, चार पड़ोसी सतह होती हैं। क्लियर हो गई बात, क्लियर हो गई बात, इतनी बात समझ गए। चलिए अब इतनी बात अगर समझ में आ गई तो समझ लो पासा बहुत अच्छे समझ में आने वाला है, ठीक है। चार पड़ोसी सतह, एक विपरीत सतह, मतलब दीवार से देखो कितनी दीवारें टच है, उधर वाली टच है, इधर वाली टच है, नीचे वाली टच है, ऊपर वाली टच है, लेकिन इस दीवार के जस्ट अपोजिट वाली दीवार नहीं टच है। तो चाहे उसको आप विपरीत बोल लो, चाहे सामने वाली बोल लो, चाहे साइड वाली बोल लो, लेकिन जो पड़ोसी है उसको आप आसन्न सतह भी कह सकते हो और उसको आप संलग्न सतह भी बोल सकते हो और उसको आप निकटवर्ती सतह भी कह सकते हो। तो आप कह सकते हो किसी कमरे में पड़ोसी सतह ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है, चार, अपोजिट कितनी हो सकती है, एक। तो कुल मिला के इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। अरे भाई फटाफट अगर वीडियो समझ में आए लाइक करना, मजा आ जाएगा, ठीक है। चलो इतनी बात समझ में आ गई। अब देखना पासे के अगर प्रकार बात करें हम लोग, पासे के अगर प्रकार बात करें तो पासे तीन टाइप में दिए गए। कितने टाइप में? तीन टाइप में। पहले तो एक होता है नो कॉमन सरफेस, नो कॉमन सरफेस, और दूसरा होता है वन कॉमन सरफेस, जैसे नो कॉमन सरफेस का मामला देखो बहुत ध्यान से, जैसे ये पासा बना दिया गया, जब दो पासा दिए जाएंगे उसमें आप ज्ञात कर लोगे, जैसे यहां चार लिख दिया गया, पांच लिख दिया गया, छह, यहां एक दो तीन। अब एक चीज बताओ, दोनों पासों को आप देखो और दोनों पासों को आप अगर देखते हो तो दोनों में कोई चीज कॉमन है, कोई चीज कॉमन है इसमें बताओ? कोई चीज कॉमन नहीं है, तो कैसा पासा है वो? नो कॉमन सरफेस, मतलब कोई सतह समान नहीं है, कोई सतह समान नहीं है, तो ये वाली बात हो गई। वन कॉमन सरफेस का जैसे अगर पासे पहचानने होंगे, कैसे पहचानोगे आप? हरे बेसिक से बिल्कुल बताऊंगा, एक दो तीन, फिर यहां पर
दो पास से बन गए, चार तीन पांच। अब यहां पे एक चीज देख रहे होगे आप, क्या इन दोनों पासों में कौन सी सतह समान है भाई? तो तीन यहां भी समान है और तीन यहां भी समान है, तो तीन तीन दोनों में कॉमन है और सतह तो क्या है अलग अलग है। तो आप कह सकते हो कि इन दोनों पासों में कैसा पास है ये? एक सतह समान, एक सतह समान पासा, ठीक है। इस तरह के सारे प्रश्न समझ में आ रहे हैं ना? चलिए बहुत बढ़िया। इधर देखो आगे तीसरा टाइप क्या हो सकता है भाई? टू कॉमन सरफेस, टू कॉमन सरफेस, टू कॉमन सरफेस में समझो, समझना बात। जैसे दो पासे हैं या चार पांच छ, छ चार तीन भाई, इसमें देखो क्या है, इसमें देखो बहुत अच्छे से, दो सतह समान है कौन कौन सी? चार चार और छ छ, तो दो दो सतह समान है, तो ये कैसा पासा हुआ? दो सतह समान। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से, इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, बहुत बढ़िया। चलिए अरे फटाफट भाई वीडियो को लाइक करना ज्यादा से ज्यादा। रचना जी राम राम, राम राम बेटा, संजय कनई ठीक है, रितेश कीर्ति गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग सही बच्चों को। फटाफट सब लोग रिवीजन कर लो जबरदस्त तरीके से और पढ़ लो बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बढ़िया। ज्यादा से ज्यादा भाई वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा बच्चे लाइक करो, मजा आ जाएगा आपको। चलो सबसे पहले बात हम लोग किस पे करते हैं? नो कॉमन सरफेस पे। किस पे बात करते हैं? नो कॉमन सरफेस पे करते हैं। तो नो कॉमन सरफेस पे इसको लगाते थे इधर और यहां पे लगा लेते टाइप। नो कॉमन सरफेस मतलब कोई सतह समान नहीं, कोई सतह समान नहीं, कोई सतह समान नहीं, ठीक। इसमें देखो कितने प्रकार के प्रश्न बनेंगे। इसमें सबसे पहले तो प्रश्न आपका टाइप में बता दूं, यहां पे आप लिख लो टाइप, यहां पे आप क्या लिखोगे, किस तरह के प्रश्न बनेगा? पासे की पहचान करना, पासे की पहचान करना एवं विपरीत अंक ज्ञात करना, एवं विपरीत अंक ज्ञात करना। सबसे ज्यादा पेपर में पूछा जाने वाला सवाल पासे की पहचान करना एवं विपरीत अंक ज्ञात करना भाई, ठीक है। चलिए सक्सेसफुल पुनरारती जी कह रही हैं, आप सभी का मेरा तेरा सुरूर कर प्रणाम करता हूं। चलिए बहुत बढ़िया अलेंद्र रोहन, चलिए बहुत बढ़िया अश्वनी, ठीक है। फटाफट भाई वीडियो को शेयर करना ज्यादा से ज्यादा, मजा आ जाएगा, बहुत बढ़िया। हाँ शैलेंद्र जैन, जैन बेटा ज्यादा से ज्यादा बच्चों में शेयर करो, लाइक करो। चलो पासे की पहचान करना विपरीत ज्ञान ज्ञात करना, सबसे पहला प्रश्न आपका क्या बनेगा? पासा कितने प्रकार का होगा? पासा होगा आपका मतलब डाइस जो होगा वो टू टाइप्स का होगा। कौन कौन? याद रखिएगा दो प्रकार का पासा, एक होगा साधारण पासा और एक होगा मानक पासा। साधारण पासा मतलब ऑर्डिनरी डाइस और मानक पासा मतलब स्टैंडर्ड डाइस, ठीक है। ऑर्डिनरी डाइस और स्टैंडर्ड डाइस भाई, क्लियर बात। अब बात समझना बहुत ध्यान से, क्या समझोगे कि साधारण पासा क्या होता है और मानक पासा क्या होता है? तो समझना बात बहुत ध्यान से, कैसे आप ज्ञात करोगे? तो यहां पे मैं पासा बना दे रहा हूं, पासा बना दे रहा हूं, बहुत अच्छे से देखना। दो पासे बनेंगे, देखो चार तीन दो, ठीक है, छ पांच चार,
अब भाई आपको दिख रहा होगा कि इसके एक पासा हमने ये बनाया, पासा ये बनाया, सब में नाम हमने लिख दिया, ठीक है। चलिए बिल्कुल, रोहन, नीतू, इमरेश, राजेश, बहुत बढ़िया बेटा। फटाफट वीडियो को शेयर करो भाई, ज्यादा से ज्यादा मजा आएगा, तभी तो वीडियो को देखो, जितने लोग देख रहे हो ना सभी लोग लाइक करो अगर वीडियो मजा आ रहा हो तो। चलिए चलिए, जयदीप, स्टार स्टेटस, क्या बात है, चलिए बहुत बढ़िया बच्चा। देखना ज्यादा से ज्यादा भाई भाई लाइक करो अगर वीडियो समझ में आ रही, मजा आ रहा हो, ठीक है। चलो देखना भाई आगे, तो आपको पता होना चाहिए कैसे ज्ञात करेंगे इसको, कुछ नहीं करना इसको, बस छोटा सा थोड़ा सा कर लेते हैं, सारा प्रश्न भी अच्छे से आ जाएगा आपको। भाई आपको ये पासा दिख रहा है ना, ये पासा दिख रहा है ना, दिख रहा है, देखो साधारण पासा में कुछ नहीं करना है। कितनी सतह दिख रही, तीन, और तीन सतह बंद है मतलब छिपी हुई है, टोटल सतह कितनी होती, छह। तो भाई याद रखना जो सतह दिखे, कहने का मतलब है दिखाई देने वाली, दिखाई देने वाली किन्हीं भी दो सतहों का योग अगर साथ है तो कैसा पासा है, साधारण। और याद रखिएगा दिखाई देने वाली किन्हीं भी दो सतहों का योग साथ नहीं है तो कैसा पासा होगा, मानक पासा होगा। क्लियर हो गई बात, क्लियर हो गई बात कि साधारण पासा और मानक पासा कैसे होगा, ठीक है। तो भाई देखना बिल्कुल, तो इतनी बात क्लियर हो गई कि किन्हीं भी दिखाई देने वाली सतहों के दो सतहों का योग अगर साथ है तो साधारण, और किन्हीं भी दो सतहों का योग साथ नहीं है तो मानक पासा। क्लियर है भाई, अब यहां पर बात समझना बहुत ध्यान से। अब आपको पता चल रहा है कि ये जितनी सतह दिख रही जिसमें चार और तीन अगर जोड़ रहे कितना, और सात, तो ये पासा कैसा है, साधारण। और यहां पे अगर जोड़ रहे छह चार दस, सात है नहीं, छह पांच ग्यारह तब भी नहीं है, चार पांच नौ तब भी सात नहीं है, तो ये पासा कैसा है, मानक। तो साधारण और मानक पासा की पहचान आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। नमस्ते संघर्ष, रोहन, उमेश, आरती, अनुष, सोनू, विपुल, कृष्णा, भाई लाइक करो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अगर मजा आ रहा है तो, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, तो साधारण मानक क्लियर हो गया, पर कमेंट करके बता दो कि साधारण पासा और मानक पासा समझ में आ गया कि नहीं आ गया, फिर हम लोग आगे बढ़े। जल्दी बता दो साधारण और मानक पासा समझ में आ गया कि नहीं आ गया भाई, जल्दी बता दो फटाफट। बहुत बढ़िया, क्या बात है रंजीत, नैन्सी, सावन, चलो सही बच्चों आ गया, बहुत बढ़िया। चल भाई देखो, इतनी बात अगर समझ में आ गई है तो आगे देखो बहुत ध्यान से, इतनी बात हम इसको कोने में लगा देते हैं। अब देखना पासे कैसे निकालते हो आप लोग, चार तीन दो, भैया बताओ ये कैसा पासा है, ये कैसा पासा है ये आपको बताना है, चार तीन दो बताओ जल्दी से, चार तीन दो कैसा पासा है जल्दी बताओ भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अरे भाई फटाफट वीडियो को शेयर करो तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में जाना चाहिए वीडियो, ठीक है। चार तीन दो जल्दी बताओ कैसा पासा है भाई, दिनेश, आर्यन, क्या बात है, जल्दी बताओ चार तीन दो कैसा पासा है, बिल्कुल वाई ग्रुप के लिए है, बिल्कुल अर्णव जी, संघर्ष, दीपक, कीर्ति, वर्षा, नैन्सी, नीतू, अभी किसी का आंसर नहीं है भाई। चलिए सिंपल सिंपल सिंपल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बेटा, सब पास। इसी जितने लोग देख रहे हो ना वीडियो को लाइक कर दो, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो भाई, बिल्कुल करेक्ट, सभी का करेक्ट आंसर आ गया, क्या आंसर आ गया, साधारण पासा मतलब ऑर्डिनरी डाइस।
और ऑर्डिनरी डाइस आपने कैसे पहचान की कि जब किन्हीं दो सतह जो दिख रही हैं जिनमें दो सतहों का योग कितना है, सात आएगा, मतलब दिख रही सतह का योग सात आता है तो कैसा पासा है, तो आपको पता होना चाहिए दिख रही दो सतह का योग अगर सात है तो पासा कैसा है, साधारण पासा भाई। ठीक, अगला प्रश्न बताना आप सभी। जल्दी बताना फटाक से, बहुत बढ़िया। यह पासा कैसा है जो आपकी स्क्रीन पे अब हमने लिखा, यह कैसा पासा है, जल्दी बताओ फटाफट, बहुत बढ़िया। चंद्र प्रकाश, अंकित, ज्योति पटेल, आसू, शिवानी, संघर्ष, निधि, जल्दी बताओ बालक यह कैसा पासा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, क्या बात है। चलिए शाबास, कोशिश कर रहे हो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मानक, मानक, सागर, राजेश, क्या बात है, बंटी, शिशुपाल, कीर्ति पटेल, वर्षा सिंह, बिल्कुल। ये पासा कैसा है, स्टैंडर्डाइज मतलब मानक पासा। तो मानक और साधारण पासा की पहचान करना तो कह दो हमें आ गया, पहचान करना तो हमें आ गया। अब भाई वहां पे टाइप लगा लो, क्या टाइप लगाओगे, पासे में विपरीत अंक ज्ञात करना, क्या लगाओगे, पासे में विपरीत अंक ज्ञात करना। चलो लगाओ फटाक से टाइप भाई, पासे में विपरीत अंक ज्ञात करना, बहुत अच्छे से यहां लिख लो, पहचान करना तो आ ही गया, अब समझना क्या समझोगे, पासे में विपरीत अंक ज्ञात करना। चल देख भाई जल्दी से, बहुत अच्छा प्रश्न है, चार तीन दो, ठीक, फिर एक पासा इधर मैं बनाऊंगा, पांच चार और एक, भाई दो पासे हमने बनाए। कृष्णा जी कह रहे चाचा आपने करंट अफेयर से स्टैटिक जीके क्यों बंद कर दी, इनसे कुछ दिनों में इसको बंद कर देंगे क्या सर, नहीं बेटा। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अतुल जी कह रहे सर संविधान कब पढ़ाओगे, बेटा एक एक चीज पढ़ा पाऊंगा, इंसान तो मैं एक ही हूं ना, ज्यादा इंसान तो हो नहीं। चलिए बहुत बढ़िया भाई, इतना समझ में आया नहीं है भाई, देखना बहुत अच्छे से आएगा आपको। पहले तो ये वाला पासा कैसा है, चार तीन और दो, तो दो सतहों का योग कितना आ रहा है, सात आ रहा है, तो पासा कैसा है भाई, पासा ये साधारण है, कैसा है, साधारण पासा है। और ये पासा कैसा है, इनमें किन्हीं भी दो सतह को जोड़ो, पांच एक छह, चार पांच, पांच और नौ, ये पासा कैसा भैया, ये पासा एक प्रकार से मानक पासा है, ये कैसा पासा है, मानक पासा है, ये कैसा है, साधारण पासा है। क्लियर हो गई बात, अब भाई समझना बहुत अच्छे से, क्या समझोगे भाई मेरे, प्रश्न क्या है, पासे में विपरीत अंक ज्ञात करना, तो कभी कभी पासा आपको मानक भी दे देगा और कभी कभी पासा आपको साधारण भी दे देगा, तो दिक्कत यह आ गई सबसे बड़ी कि इसमें कैसे ज्ञात करेंगे और इसमें कैसे ज्ञात करेंगे। भाई मेरे अगर इस ये पासा चित्र दे देता आपको और कह देता कि दो के विपरीत अंक बताओ, क्या कह देता, दो के विपरीत अंक बताओ, तो दो के विपरीत अंक यहां पे बताना है इस वाले पासे में, और इस पासे में कह देता कि चार के विपरीत अंक बताओ, चार के विपरीत अंक बताओ, दो तरह के प्रश्न है, इधर चार के विपरीत अंक बताओ, इधर दो के विपरीत अंक बताओ, बात समझना मजा आ जाएगा अभी, ठीक है। चलिए ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर कर दो और लाइक कर दो और बता दो कदर रीजनिंग की क्लास आज चल रही है, जिस तरह तुमने घड़ी को पढ़ा था उसी प्रकार आज पासे को पढ़ेंगे जबरदस्त तरीके से। भाई ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दो भाई, मजा आ जाएगा, चलो भाई देखना मजा आ जाएगा तुम्हें, बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया।
क्या बात है, दबा के शेयर करो एक बार वीडियो को, ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास पहुंच जाए। और जिन बच्चों ने भी वीडियो को लाइक नहीं किया ना, फटाफट लाइक कर दो अगर वीडियो को मजा आ रहा हो, समझ में आ रहा हो। चलो भाई देखो, पहले हम लोग मानक भाषा में विपरीत निकालना सीख लेते हैं, समझना। यहां पे मैं लाइन लिखे दे रहा हूं, विपरीत अंक ज्ञात करने के लिए, ज्ञात करने के लिए दिए गए अंक को 7 से घटा देते हैं, 7 से घटा देते हैं। तो अगर पासा आपके पास मानक है और उसमें 4 के विपरीत अंक पूछ रहा है तो कुछ नहीं करना है, दिया गया नंबर आपके पास क्या है 4, और 4 का विपरीत ज्ञात करना है। और भैया दिया गया नंबर कितना है 4, 4 को किसमें घटाओगे आप, 4 को आप घटा दोगे किसमें बालक, 7 में। जब आप 7 में 4 घटा दोगे कितना बचेगा 3, तो आपको पता चल गया 4 का विपरीत क्या है 3 है। तो क्लियर हो गई बात कि मानक भाषा में विपरीत अंक कैसे ज्ञात करते हो। मानक भाषा में विपरीत अंक ज्ञात करने का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, क्या है कि जो दिया गया नंबर होगा, जो 4 का पूछा तो 4 का पूछा उसको 7 में घटा दो, यही पूछ लेता 5 का विपरीत बताओ तो 5 को आप अगर मानक भाषा है 7 में घटा दो 2 बचेगा, 1 का विपरीत कह देता तो 1 को 7 में घटा दो 6 बचेगा। लेकिन यह कॉन्सेप्ट आपका लगता कहां पर, यह कॉन्सेप्ट सिर्फ आपका लगता है कहां पर, मानक भाषा में लगता है, बाकी और कहीं नहीं लगता है। क्लियर हो गई बात, अरे भाई समझ में आया, एक बार कमेंट करके बता दो समझ में आया कि नहीं आया, एक कमेंट आप करके बता दो समझ में आ गया कि नहीं आ गया कि मानक भाषा में विपरीत ज्ञात करना आ गया, जल्दी से बताओ। बिल्कुल अलेन, रासू, सौरभ, चलिए बहुत बढ़िया, सुनीता, शिशुपाल, थालविया गेमिंग, जय हिंद बेटा, चलिए बहुत बढ़िया, आ गया सागर। अरे भाई एक बार कमेंट करके तो बताओ आया कि नहीं आया, फिर हम इधर बढ़े। चलिए बहुत बढ़िया, उमेश, प्रताप, विष्णु, सागर, रविंद्र, बंटी, प्रदीप, चलिए बहुत बढ़िया, सभी को आ गया, चलिए बहुत बढ़िया, सभी को आ गया ना। चलिए बालक आगे देखते हैं, हाँ देखो मानक भाषा में आ गया, साधारण भाषा में क्या करेंगे, तो यहां पहले लैंग्वेज लिखते हैं तो और अच्छे समझ में आएगा। विपरीत अंक ज्ञात करने के लिए एक लाइन बहुत अच्छे लिख लेना, छिपे हुए अंकों में से कोई भी हो सकता है। भाई देखो, जैसे इस पासे को दिया गया, पहले तो आप पहचान करोगे ये कैसा पासा है, एक ऑर्डिनरी डाइस है, मतलब साधारण पासा है, और किसका विपरीत ज्ञात करना है, 2 का विपरीत ज्ञात करना है। तो भाई 2 का विपरीत ज्ञात करना है, और डाइस आपको यहां पे 4 दिख रहा, 3 दिख रहा, 2 दिख रहा, और आपको पता है पासे में 1 होता है, 2 होता, 3 होता, 4 होता, 5 होता, 6 होता, लेकिन यहां नंबर क्या क्या दिख रहे हैं, 4, 3, 2 दिख रहे हैं। छिपा हुआ क्या क्या है, तो छिपा हुआ आपके सामने यहां पता चल रहा क्या क्या छिपा हुआ है, 1 नहीं दिख रहा है, 5 नहीं दिख रहा है, 6 नहीं दिख रहा है। तो कहने का मतलब यह है बालक कि जब साधारण पासा होगा, जय जिसका विपरीत पूछे, तो छिपे हुए नंबर में से कोई भी आंसर हो सकता है, तो कुल मिला के 2 का विपरीत 1 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। यहीं पे आपसे कह देता 3 के विपरीत बताओ, तो 3 के विपरीत 1 भी हो जाता, 5 भी हो जाता, 6 भी हो जाता,
चार के विपरीत बताओ तो एक हो सकता है, पांच हो सकता है, छह हो सकता है। तो उम्मीद करते समझ में आ गया, अगर कमेंट कर दो भाई अगर मजा आ गया और ये समझ में आ गया। साधारण पासे भी पता चल गया कि साधारण पासे का विपरीत कैसे ज्ञात करेंगे और मानक पासे का विपरीत कैसे ज्ञात करेंगे, जल्दी से बता दो भाई। बहुत बढ़िया बलवान जी, वीडियो को थोड़ा पीछे करके जाओ, वहां पे आपको पता चल जाएगा कैसे आपको ज्ञात करना है। बिल्कुल वर्षा, बिल्कुल करेक्ट है आपका बेटा, बहुत बढ़िया। अरे भाई फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा पासा आज पढ़ लो, इससे सरल तरीके से आपको कहीं पासा नहीं मिलेगा। चलिए समझ में आ गया ना कुल मिला के मजे से। चलिए अभी आप लोग आंसर दोगे, बहुत बढ़िया आंसर दोगे, मजा आ जाएगा भाई। ठीक है, बहुत बढ़िया बालक। चलिए श्रीचरण, सागर, शिशुपाल, कैलाश, चंचला, शिवानी, क्या बात है, विकास, प्रदीप, निधि, रिंकू, सौरभ, नैन्सी, चलिए सभी बच्चों को आ गया ना। हाँ बच्चा देखो बालक, आगे आगे क्या करते हैं, सवाल देते हैं तुमको, तुम बताओगे बड़े जबरदस्त तरीके से बताओगे, तुम बताओगे भाई बहुत ही जबरदस्त तरीके से बताओगे। ठीक है, पहला सवाल देखो बहुत अच्छे से। तो पहला सवाल आपके सामने क्या होगा, यह प्रश्न है 4, 2, 6। इस पासे में आपको 5 का अपोजिट ज्ञात करना है, दिए गए पासे में 5 का अपोजिट बताना है। जल्दी बताओ फटाफट, 5 का अपोजिट क्या होगा, फटाक से आंसर सबके आने चाहिए भाई, फटाक से आंसर आने चाहिए, बहुत बढ़िया। जल्दी जल्दी, बहुत बढ़िया, क्या बात है। प्रजापति, प्रिंस गेमिंग, अंकित, चलिए सालिकराम, बहुत बढ़िया। रोहित आ रहा ना बच्चा, 5 का अपोजिट बताओ फटाक से, देखते कितने बच्चे बता पाएंगे। कीर्ति बिल्कुल, वर्षा क्या बात है, सभी बच्चों का आंसर बहुत बढ़िया आ रहा है। चलिए सावन, सौरभ बिल्कुल, प्रिंस गेमिंग 1, 3, 6 नहीं होगा बालक ना। देखो बहुत सिंपल सा बात है भाई कि पहले तो पहचान करो ये पासा कैसा है। ये पासा एक मानक पासा है, कैसे, 4, 6 जोड़ो कितना हुआ 10, और योग 7 आना चाहिए अगर साधारण होना चाहिए, 6, 2, 8, 4, 2, 6। तो कहने मतलब किसी भी दो सतह का योग 7 नहीं है तो पासा कैसा है, ये एक मानक पासा है। और मानक पासा में अपोजिट कैसे ज्ञात करते हैं, 7 में उस संख्या को घटा देते हैं। तो 7 में किसका ज्ञात करना है, 5 का, 7 में 5 को घटा दो कितना निकल के आ जाएगा, 2 निकल के आ जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2। तो उम्मीद करते प्रश्न सबको बच्चों को समझ में आ गया। ठीक है, बहुत बढ़िया, चलिए क्या बात है, सभी बालक को आ गया पासा, बहुत अच्छा समझ में आ रहा है ना। चलिए बहुत बढ़िया, अगला प्रश्न बताओगे तो अगला प्रश्न भाई देखो, दो चार तीन, ये दिया गया पासा है और दिए गए पासे में 4 के विपरीत अंक बताओ, 4 के विपरीत अंक बताओ, फटाक से बताओ, इसमें देखते कितने बच्चों का सही आंसर है। बहुत बढ़िया, रिंकू, चंद्र प्रकाश, निधि, अयान, शेरनी सिंह, क्या बात है। अरे भाई शेयर करो वीडियो ज्यादा से ज्यादा, और जिन बच्चों को लगता हो वीडियो डिसलाइक करने वाली है तो डिसलाइक करो, लेकिन अगर लग रहा हो मेहनत कर रहे हैं गुरुजी तो शेयर करने वाली और लाइक करने वाली वीडियो है तो लाइक करो भाई। बहुत बढ़िया, क्या बात है, कीर्ति, सौरभ, रंजीत, क्या बात है, दिनेश, शिशुपाल, बहुत बढ़िया बालक, बहुत बढ़िया, सभी का आंसर आ रहा जबरदस्त तरीके से आ रहा। रूपेश आप गलती कर रहे हैं बालक, थोड़ी सी अभी आप गलती अभी भी कर रहे हैं रूपेश, पासे की पहले आप पहचान नहीं कर रहे हैं, और जो बच्चा पहचान नहीं करेगा वो गलती खा जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, रिंकू, तनुजा, मुस्कान, भोजपुरी बिल्कुल, इश्तियाक, अनुजा पाल, चंद्रेश, बहुत बढ़िया बालक, सभी का आंसर आ रहा है 1, 5, 6। आपको पता है पहले ये पासा कैसा है, तो जब दो सतहों को आप जोड़ते हो तो ये पासा कैसा है भाई, ये पासा एक प्रकार से कैसा पासा है,
साधारण पासा है, और साधारण पासा में हम लोग अपोजिट कैसे ज्ञात करते हैं, जो छिपे हुए नंबर होते हैं। छिपे हुए नंबर, कहीं पर आपको एक दिख रहा, नहीं दिख रहा, कहीं पर आपको पांच दिख रहा, नहीं दिख रहा, कहीं आपको छह दिख रहा, नहीं दिख रहा। अरे भाई करेक्ट आंसर एक पांच छह, बिल्कुल करेक्ट है भाई। अगर समझ में आ रहा है एक बार वीडियो को लाइक करो दबा के, और दोस्तों के साथ शेयर करो भाई, शेयर करो अगर समझ में आ रहा भाई आंसर बिल्कुल। अरे भाई आज टारगेट कर लो बहुत दबा के, बहुत मजा आने वाला क्लास में। ये मान लो पासे को पूरा उखाड़ फेंकोगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। प्रजापति, एस के राठौर, चंद्रेश तिवानी, रोहित, ज्योति पटेल, प्रशांत, सही बच्चों का आना, बहुत बढ़िया बच्चा लग रहा, मोहित, अरविंद, अनुज। चल अगला भाई देखो, अब यहां पे बात समझो बहुत ध्यान से। ये तो हो गई जब तुमको पासा दे जाएगा, पासे की पहचान कर लोगे, एवं पासे की क्या कर लोगे, पहचान कर लोगे, प्लस आप ज्ञात कर लोगे। अब भाई देखो बहुत ध्यान से, जब पासे दो हो तो विपरीत अंग निकालना, तो विपरीत अंक ज्ञात करना। जब पासे दो हो तो विपरीत अंक ज्ञात करना, समझना भाई, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, और जो बच्चा सीख गया समझो सीख जाएगा मजे से। दो पासे हो मतलब दो पासे बना दो, चार तीन दो, यहां पे पांच चार एक, ठीक। फिर ये दो पासे दिए जाएंगे, सवाल पूछा जाएगा आपसे, क्या पूछा जाएगा कि चार के विपरीत अंक बताओ, चार के विपरीत अंक बताओ, ठीक। आंसर ऑप्शन तीन छः पांच दो, बताओ फटाक से, देखते कितने बच्चे कर पाएंगे। बहुत बड़े अरविंद जी, आपका नाम हमने ले लिया, प्रिंस गेमिंग, बिल्कुल बिल्कुल बाला, क्या बात है भाई। गगन, बहुत बढ़िया, इंपॉर्टेंट है सब कुछ, एयरफोर्स के लिए परेशान मत हो, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया बच्चा, क्या बात है। अच्छा वर्षा सिंह का आंसर आ गया, क्या बात है, दबा के लाइक करो भाई अगर समझ में आ रहा हो, बहुत बढ़िया बेटा, क्या बात है भाई। शिवानी, शिवा, गगन, दीपक, देखना मजा आ जाएगा, बहुत बढ़िया। अरे मेरे शेर शेरनी, बालक बालिकाओं, छात्र छात्राओं, मैं सिर्फ उनको पढ़ाऊंगा जो सेलेक्ट होने के लिए बने हैं, और मैं सेलेक्ट करा के रहूंगा। चलो रीजनिंग मैं सिर्फ उनको पढ़ा रहा हूं जिनको कुछ नहीं आता, बाकी तो मैं सबको आ ही जाएगा, सभी का आंसर आ रहा। क्या बात है, तुमने तो चार चांद लगा दिया आज तो, ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ रिंकू जी, पूरे रीजनिंग की क्लास कितने बजे से होती है भाई? फ्राइडे सैटरडे रात में 9:30 बजे, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, सभी का आंसर। अरे भाई लाइक करो, जितने लोग देख रहे हो, जिनका लाइक छूटो लाइक दबाओ, जिनका अनलाइक छूटो अनलाइक दबाओ। देखो भाई, जब पासे दो हो तो विपरीत अंक ज्ञात करना, तो कुछ नहीं करना। मैंने बताया था कि जब पासे दो हो तो सबसे बड़ी बात कि दोनों में ऐसी चीज देखो कि दो सरफेस में जो नंबर दिख रहे हैं दोनों में कॉमन क्या चीज है। तो कॉमन क्या है, चार कॉमन है, यहां पर भी चार कॉमन है, ठीक। और चार को आप चाहे क्लॉकवाइज घुमा दो चाहे एंटी क्लॉक घुमा दो, क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में घुमा दो चाहे एंटी क्लॉक घुमा दो, अगर चार को यहां क्लॉकवाइज घुमा रहे हो आप तो कैसे लिखोगे, चार फिर क्लॉकवाइज में तीन आया और फिर दो आया, फिर इधर देखो इसको भी क्लॉक वाइज, क्योंकि जो इसको घुमाओगे वह इसको घुमाओगे, तो चार पकड़ के इसको भी क्लॉक घुमाओ, तो चार एक पांच, जो कॉमन दोनों में उसी के नीचे संख्या चालू करोगे, और जो चीज कॉमन मिल गई इसी कॉमन की जगह एक नंबर आ जाएगी क्या, जिसको बोलते हैं हिडन नंबर। अरे भाई हिडन नंबर क्या है, एक है, दो है, तीन है, पांच है, चार है, लेकिन छह यहां पर नहीं दिख रही, क्योंकि पासे में छह अंक होते हैं।
जब ये पासे में छठी नहीं दिख रही है तो चार की एक चार की जगह क्या होगी छह। तो आपको याद रखना है दो कॉमन की जगह एक हिडन नंबर होता भाई, ठीक। एक हिडन नंबर चार की जगह क्या हो जाएगा छह हो जाएगा। तो भाई चार के विपरीत अंक क्या हो जाएगा छह। यही भी आपसे कह देता दो के विपरीत बताओ तो दो के विपरीत क्या होता पांच हो जाता, तीन के विपरीत बताओ तो एक हो जाता, एक के विपरीत बताओ तीन, पांच के विपरीत दो, चार के विपरीत छह, छह के विपरीत चार। भाई यह कमेंट करके बता दो किसको नहीं समझ में आया और वीडियो को लाइक कर दो शेयर कर दो भाई। एक बार कमेंट करके बताओ किसको वीडियो नहीं समझ में आया, किसको ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया मेरा कि जब दो पासे दिए गए हो तो अपोजिट नंबर कैसे ज्ञात करते हैं। कमेंट करके बता दो किसको नहीं समझ में आया, और समझ में आया तो लाइक के साथ स्वागत करना भाई। जल्दी से कमेंट करके बता दो किसको नहीं समझ में आया। बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया बेटा। और कमेंट करके बता दो किस बालक को समझ में आ गया। फिर बात करते हम लोग आगे की तरफ। बहुत बढ़िया सागर, संजय आ गया, बहुत बढ़िया बेटा। साहिल, रोशनी, चलिए बहुत बढ़िया। रिंकू, अच्छा बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। विवांशु, सोनम, विशाल, चांदनीपाल, बेटा परेशान मत होना, वीडियो बस लाइक करते रहो शेयर करते रहो, पूरा का पूरा मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, परेशान मत होना कोई भी, ठीक है। देख मेरे भाई अगला प्रश्न देखते हैं बहुत ही जबरदस्त तरीके से, ठीक है। अगला प्रश्न मैं दूंगा आपको बहुत ही अच्छा। देखो अगला प्रश्न हमारे पास क्या है, चार तीन छह, ठीक है भाई। अगला दो पासे बन गए आपके, दो छह पांच भाई। ये दो पासे में आपको छह का अपोजिट बताना है, अपोजिट नंबर ऑफ सिक्स। तो छह का अपोजिट नंबर भाई बताओ फटाक से, देखते कौन बता पाएगा। बहुत बढ़िया गगन चौधरी, प्लेलिस्ट में जाइए आप, वहां पे हमने क्लॉक पढ़ा दिया ऑलरेडी। बहुत बढ़िया बालक देवेंद्र, चलिए बहुत बढ़िया, समझ में आ गया ना, बहुत बढ़िया। सोनी, संजीव, शिवम, राजेश, ब्रजेश, बहुत बढ़िया भाई। छे का विपरीत पूछ रहा, किसका विपरीत पूछ रहा, छे का, ठीक है। अभी मैं बताता हूं बहुत अच्छे। अरे क्या बात है, मुस्कान, पटेल, रुद्रा, चंद्रेश, ए टू जेड, गगन, दीपक, तुम लोगों ने तो आग लगा दी, झंडे गाड़ दिए, पता चल रहा है कि हाँ तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा भाई। मेरे सबका सही है, बी एस राजपूत, नवीन, जय श्री राधे, धौली, बहुत बढ़िया बालक। देखो कुछ नहीं करना है, करना सिर्फ इतना है दोनों में, पहले तो दो पासे दोनों में कॉमन कितना है छह, छह, छह को पकड़ लो आप, क्लॉकवाइज घुमा दो तो छह चार तीन, इसको पकड़ लो क्लॉकवाइज घुमा दो छह पांच दो, तो यहां पे कॉमन क्या है छह है, कॉमन नंबर क्या है दोनों में छह, मिसिंग क्या है मतलब हिडन नंबर क्या है, तो आपको पता है तीन है, दो है, चार है, पांच है, छह है, लेकिन हिडन नंबर यहां पर क्या है एक, तो आपको पता चल रहा है एक छह की जगह आंसर क्या होगा एक होगा भाई, ठीक, क्लियर हो गई बात। यहीं पे आपको पता होना चाहिए था, चार का पूछता तो पांच आता, तीन का पूछता दो पूछ आता। संतु जी आपका हमने नाम ले लिया, परेशान मत हो, ठीक है। शिवम रॉक स्टार, बहुत बढ़िया। उमेश जी आपका भी हमने नाम ले लिया, अब नाम लिया जाएगा, वीडियो को भाई शेयर तो करो, चलिए बिल्कुल मजा आ रहा ना। शिवम, पप्पू पाल, झंडे गाड़ दें, क्या बात है, क्या बात है, अरे भाई शेयर करो, बहुत मजा आने वाला है, सभी झंडे गाड़ेंगे मेरे साथी। सभी का आंसर एक आ गया ना, बहुत बढ़िया, किसी का गड़बड़ नहीं माना, होना भी नहीं चाहिए, अगर हो रहा तो वो समझो बालक अभी भी गलती कर रहा भाई। चल भाई अगला प्रश्न यहां पे मैं पूछता हूं, दो पासे ये बना दिए गए,
दो पासे बनाए गए, 5 2 1, फिर यहां पे क्या बनाया गया, 3 2 6। किसका पूछ रहा है तो याद रखिएगा, 6 का अपोजिट बताओ भाई, 6 का अपोजिट बताओ फटाक से, 6 का अपोजिट बताओ। बहुत बढ़िया। अरे भाई वीडियो को लाइक तो करते रहो भाई, नहीं तो डिसलाइक मारते रहो अगर ना समझ में आ रहा हो तो। चलिए क्या बात है संतु ब्रदर, क्या बात है दीपेंद्र, मधुबाला, निधि, ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करो भाई। इसका अपोजिट बताओ जल्दी, अभी 2 पासे हैं, अभी 4 पासे लेंगे, फिर 5 पासे लेंगे, पासों की झड़ी लगा देंगे आज। बहुत बढ़िया। रविंद्र, नीलेश, धौली, साहिल, धर्मेंद्र, अंशु, नवीन, दीपक, इश्तियाक, शिवानी, संदीप, मुस्कान, सभी बच्चों का आंसर आ गया, 1 1 1 1 1 1। सोनिका, क्या बात है तुम लोगों ने तो 4 चांद लगा दिए। कुल मिला पता चल रहा है मेरा पढ़ाया हुआ कॉन्सेप्ट आप सबको समझ में आ रहा है। क्या कॉमन है दोनों में, 2 2 2 को पढ़ करके क्लॉकवाइज घुमा दो, 2 5 सॉरी 2 1 5, इसके नीचे 2 6 3। भाई ये दोनों कॉमन है, हिडन नंबर क्या है 4, किसका विपरीत पूछ रहा, 6 का, तो भाई 6 का विपरीत तो ऐसे ही दिख रहा है आपको, 1, आंसर 1 आ गया। बहुत बढ़िया साथी, मजा आ गया। अंकित, रघु, सोनू, आशीष, सुमेंदर, सिमरन, चांदनी, चंद्रेश, इश्तियाक, अनुजपाल, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा वीडियो को पीछे जाके देख लेना, पूरा पासा बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं, हर एक बच्चे को भाई समझ में आना चाहिए, और पासे को जिसको नहीं समझ में आना बेकार है, याद रखिएगा। चल भाई अगला प्रश्न करते हैं, ठीक है। देखो एक एक प्रश्नों को पूरा निचोड़ फेंकेंगे हम लोग, ठीक है। चलो अगला प्रश्न क्या करते हैं तो देखना, इस बार बिंदु रखे गए, क्या रखे गए, बिंदु। ठीक, एक पासा आपका कैसा बना, ऐसा बना है। भाई ये बिंदु रखे गए 2 पासे में, अब इसमें आपको बताना है कि 4 बिंदुओं के नीचे संख्या क्या होगी। कहने का मतलब है 4 बिंदुओं के अपोजिट संख्या क्या होगी, भाई जल्दी से बताओ, देखते कितने बालक बता पाते हैं। 4 बिंदुओं के अपोजिट संख्या क्या होगी भाई, जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया। प्रिंस गेमिंग कह रहे हैं कि अपने उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले की टॉप कोचिंग, क्या बात है। चलिए बहुत बढ़िया, सभी साथियों को पूरे क्षेत्र में फैला देना, मजा आ जाना, ठीक है। आयुष, प्रांजोल, प्रकाशनी, क्या बात है साथी, बहुत बढ़िया। कीर्ति, संदीप, अंशु, अरे भाई जल्दी बताओ 4 के विपरीत क्या आएगा, क्या बात है, किसी का तो आंसर गलत ही नहीं हो रहा, गलत होने का तो चांस ही नहीं ले रहा। दोनों बिंदु कॉमन क्या है, 4 4, तो 4 को पकड़ लो, 4 5 1, इधर 4 2 6। भाई पूछ कॉमन नंबर 4, हिडन नंबर 3, तो 4 के विपरीत क्या होंगे, 3 बिंदु, मतलब 3 संख्या बिल्कुल करेक्ट, और सभी बालकों का भी करेक्ट, ऐसा नहीं कि बालक पीछे हो गए, अब तो किसी का गलत आंसर भी नहीं आ रहा, सबसे बड़ी बात यह है। ज्योति, आर्यन, दीपेन, चंद्रेश, दीपक, किसी का गलत आंसर तक नहीं आ रहा, सबसे ज्यादा खुशी की बात यह है। इश्तियाक, देवेंद्र, क्या बात है तुम लोगों ने तो बिल्कुल दिल खुश कर दिया भाई मेरे, ठीक है। चल भाई अगला प्रश्न करते हैं, बहुत अच्छे से अगला प्रश्न करते हैं, तो समझना बहुत ध्यान से। अगला प्रश्न बहुत ही जबरदस्त तरीके करते हैं, जब 2 पासे दिए गए
जब दो पासे दिए जाए, इसमें बताओ तीन का विपरीत अब बड़ी समस्या है। क्यों? क्योंकि अभी तक तो दोनों पासे में एक चीज देख लेते थे, एक चीज देख लेते थे कि एक चीज क्या कॉमन है, ठीक है। अब क्या देखना है? बहुत ही गजब की चीज देखनी है। बिल्कुल जल्दी बताना फटाफट। रोहित, सावन, निधि, जनार्दन, प्रशांत, आयुष, क्या बात है बालक, चल भाई बहुत बढ़िया। अनुज, दौली, अच्छा मैराथन कब दोगे जीएस की? अरे भाई मैराथन तभी दूंगा जिस दिन तुम वादा करोगे कि सर आपकी क्लास में मैराथन के लायक क्लास आपकी यूट्यूब में होती है, रियल में होती है। लोग भीड़ तो सब इकट्ठा लगी हुई है लेकिन कंटेंट असली यहीं पर है। और मैराथन मैं दूंगा सिर्फ एक शर्त पे, जिस दिन आपने हमको बता दिया कि सर यहां पर 1000 नहीं 2000 बच्चों की भीड़ आने वाली है, उस दिन मैराथन होगी राघव सर के जीएस में। बहुत बढ़िया दीपेंद्र, राधा, क्या बात है, बहुत बढ़िया। सभी बच्चे बता ले गए किसका अपोजिट पूछा हमने, तीन का। भाई इस तरह के पासे में देखो दो, ये कौन सा पासा बन गया? ये टू कॉमन सरफेस बन गया भाई, टू कॉमन सरफेस। टू कॉमन सरफेस का मतलब दो सतह समान, और दो सतह समान यहां पर कौन कौन सी है? पांच पांच और छह छह, ठीक। तो भैया चार का अपोजिट डायरेक्ट निकल आएगा तीन, तो तीन का विपरीत क्या है? चार, डायरेक्ट निकल आया, कुछ करना ही नहीं। लेकिन अब इसी सवाल में एक प्रश्न और पूछूंगा, पांच का विपरीत बताओ भाई, पांच का विपरीत बताओ जल्दी से, पांच का विपरीत बताओ भाई, चार का बताने में तो बहुत मजा आई तुम्हें भाई। देखो जितने लोग वीडियो देख रहे हैं ना, लाइक कर दे बार दबा के और कांटा पार कर दो 200 के बार भाई, मजा आ जाएगी। पासे में आग लगा दूंगा आज मैं, बहुत बढ़िया। दौली, अरविंद, अनुज, अभिषेक, दीपेंद्र, ज्योति पटेल, प्रियांश, गंगे, लार्यन, पुष्पेंद्र, मजा आ रहा ना पासे में भाई। एक बार लाइक तो बनता है, शेयर तो बनता है ना भाई, लाइक शेयर स्टेटस तो बनता है ना, बहुत बढ़िया, क्या बात है। ब्रजेश, देखते कितने बच्चों का आंसर आया इसमें। इस पासे से पांच का विपरीत ज्ञात करना है, बहुत बढ़िया। कुछ ही बच्चे केवल पास है, बाकी सब फेल हो गए, लेकिन परेशान मत होना, आज फेल हुए हो बार बार फेल नहीं होगे, क्योंकि आज कॉन्सेप्ट सीखोगे भाई मेरे। नैन्सी, शिवा, आर्यन, तुमने तो तापड़ तोड़ बैटिंग कर दी भाई। गगन, क्या बात है, तुमने तो कांटा भी पार कर दिया बच्चों का, बहुत बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है। चलिए देखो भाई मेरे, पांच छह कॉमन था, पांच छह कॉमन था, चार का अपोजिट तीन था, चार का अपोजिट तीन था, क्लियर था। लेकिन पांच का अपोजिट पूछ लिया तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि जो चीज हमें दिखती है वो अपोजिट नहीं होती है, वो क्या होती है? पड़ोसी होती है, संलग्न सतह होती है, अपोजिट नहीं होती, याद रखिएगा ये चीज। तो पांच का अपोजिट छह हो सकता है, पांच का अपोजिट छह हो सकता है? नहीं, क्योंकि पांच और छह एक साथ लिखे हैं, यहां पे पहले नंबर लिखे ले रहे हैं, बस इतने ही तो हो सकते हैं अपोजिट, क्योंकि पांच का पूछ ही रहा तो छह हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि पांच के साथ लिखा हुआ छह मतलब पड़ोसी है, अपोजिट कभी नहीं होंगे। पांच का अपोजिट चार हो पाएगा? कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि चार भी पड़ोसी है ना कि अपोजिट। फिर पांच का अपोजिट तीन हो पाएगा? कभी नहीं हो पाएगा। पांच का अपोजिट छह नहीं हो पाएगा, बचा क्या? एक दो। कहने का मतलब है पांच का अपोजिट या तो एक होगा अथवा दो होगा, तो आंसर यह करेक्ट है, ना कि दो अथवा एक करेक्ट है, आंसर यह सही। क्लियर हो गई भाई बात? रिंकू, अलेंद्र, सावन, क्लियर हो गई भाई बात? चलिए बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा ना? प्रियांश, प्रशांता, राज, आयुष, निधि, रितेश, बहुत बढ़िया। संदीप वर्मा, क्या बात है। चलिए सागर, अरे भाई वीडियो को लाइक करो,
लाइक करो अगर मजा आ रहा हो। आ रहा ना मजा? क्या बात है, चलो बहुत बढ़िया बालक। तो उम्मीद करते हैं आपको सारे प्रश्नों में बहुत मजा आ रहा होगा। अब बताओगे तुम लोग आगे अगला प्रश्न। चल भाई मेरे, अगला प्रश्न करते हैं। चलो इसको हम छोटा कर देते हैं, इसकी इसी स्क्रीन पे लगाते हैं तो और मजा आएगा। पासा देखना, 3-1-4, 3-4-5। भाई मेरे यहां पे किसके विपरीत बताना है? यहां पर 3 के विपरीत अंक क्या होगा? 3 के विपरीत अंक पूछ रहा है यहां पे, जल्दी बताओ फटाक से, देखते कितने लोग बता सकते हो। बहुत बढ़िया, विपिन, विजय, विनय। विनय कह रहे हैं कि क्लास कहां पर है, दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पर भैया कॉल कर सकते हो आप। बहुत बढ़िया, चलिए गर्दा उड़ा देंगे सराज तो। बहुत बढ़िया, अभि शुक्ला, रिंकू, आर्यन, क्या बात है। अरे भाई परेशान मत हो, तुम लोग बस एक बार वादा कर लो, ठान लो, कह दो सर आपकी क्लास में 1K वाचिंग आने वाली है और जल्दी से आप मैराथन क्लास GS की लगा दो। तो जहां पे मार्च में हमने रोका था आपको, मार्च के आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन वादे के साथ। अगर मैं वादा निभाऊंगा तो आप अपने वादे के पक्के रहना बस। बिल्कुल गगन, वर्षा तो आज बिल्कुल ताबड़तोड़ बैटिंग कर रही है। नागेंद्र, अमित, दीपेंद्र, प्रीतम, आकाश, अवि, ज्योति, क्या बात है। किसी का तो गलत हो ही नहीं रहा, हमें सोच रहे किसी का गलत क्यों नहीं हो रहा, तो मुझे बताने का मौका मिले। लेकिन मुझे खुशी है कि मेरे सारे बालक सीख रहे हैं भाई, क्या बात है। भाई मेरे दो चीजें का मैंने 3-3-4-4 का मैंने 1 का अपोजिट तो 5 हो जाता, लेकिन पूछ किसका रहा 3 का, तो 3 का अपोजिट देखो 1-2-4-5-6 में से क्या क्या नहीं हो सकता या हो सकता है। तो भाई देखो 3 का अपोजिट 1 हो सकता नहीं, क्योंकि 3 का 1 क्या है, पड़ोसी, नहीं हो पाएगा। 3 का अपोजिट 4 हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, पड़ोसी है। 3 का अपोजिट 5 हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। भाई हो क्या पाएगा? 2 अथवा 6। तो करेक्ट आंसर क्या है? 2 अथवा 6। उम्मीद करते सब बच्चों को समझ में आ गया होगा, सब बच्चों को समझ में आ गया होगा। भाई अगर समझ में आना तो वीडियो को रुकना नहीं चाहिए, वीडियो दूर तक जानी चाहिए। चल भाई प्रश्न करते हैं बहुत ही जबरदस्त तरीके से। अब हेडिंग क्या लगा लेंगे? हेडिंग लगा लो, जब पासे की संख्या दो से अधिक हो, जब पासे की संख्या दो से अधिक हो तो विपरीत अंक कैसे, विपरीत अंक ज्ञात करना। तो विपरीत अंक ज्ञात करना, तो बात समझना, पासे कौन कौन से तो देख लो। देखो भाई बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट, ये 4 पासे आपके बने हैं और इसमें किसका विपरीत ज्ञात करना है, तो ज्ञात करना है किसका, 2 का विपरीत अंक बताओ। 2 का विपरीत अंक ज्ञात करना, जल्दी बताओ फटाफट, मजा आ जाएगा भाई, जबरदस्त कॉन्सेप्ट, बहुत बढ़िया। अरविंद, विनय, अर्नव, पप्पू पाल, बिल्कुल, आज तो गलती करने का चांस ही नहीं कर रहा भाई। चलिए बहुत बढ़िया, आयुष, आकाश, चलिए बहुत बढ़िया, गगन, क्या बात है, क्या बात है भाई, मजा आ जाएगा। अब तो आंसर देखते कितने बच्चों का आता है। राज,
नीलेश जल्दी से बताओ भाई, दो का अपोजिट क्या होगा, देखते कितने बालक बता पाते हैं। सभी चार चार दे रहे हैं, तो चार होगा कि पांच होगा। वर्षा का पांच है, आर्यन का पांच है, प्रियांश का चार है। चलिए बहुत बढ़िया, जल्दी बताओ भाई क्या बात है। प्रशांत, चिद, नीतू, नीलेश, सुरेंद्र, ज्योति, पांच पांच पांच। देखो भाई मैं बताता हूं, समझना तुम लोग, बस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो, बताने का काम सारा मेरा है, समझो भाई मेरे। किसका पूछ रहा है? दो का अपोजिट पूछ रहा है क्या होगा, तो समझना। जब पासे की संख्या दो से अधिक दे दी जाए, तब ऐसे दो पासे देखने हैं जिनमें संख्या एक कॉमन हो। तो देखो अगर इसको इसको ले रहे हैं तो दो दो कॉमन है, तीन तीन कॉमन है, इसको इसको ना लो, पहला और तीसरा लो, तो इसमें तीन तीन कॉमन है, चार चार कॉमन है, इसको भी मत लो, पहला और चौथा लो तो दो दो कॉमन है, चार चार कॉमन है, ये भी ना लो। तो पहले के साथ ना दूसरा फिट हुआ, ना तीसरा फिट हुआ, ना चौथा फिट हुआ। अब दूसरे के साथ देखो, दूसरे के साथ ये वाला ले लो, तो तीन तीन कॉमन है, एक पांच दो चार। अब यहां पे आपको पता चल गया कॉमन सिर्फ एक चीज है, और ऐसे दो पासे लेने हैं जिनमें एक चीज सिर्फ क्या आती हो, कॉमन आती हो भाई। तो एक चीज कॉमन क्या है, तीन तीन है। तो बनाओ क्लॉकवाइज, फिर घुमा दो, तीन एक दो, यहां पे घुमाओ, तीन चार पांच। तो भैया कॉमन क्या है, तीन है, तीन का ये कॉमन है, तो हिडन सरफेस क्या है, छह। तीन का अपोजिट कितना है, छह भाई। ठीक, पूछ किसका रहा, दो का, सबको यहां पता चल गया। तीन का अपोजिट छह, एक का अपोजिट चार, चार का अपोजिट एक, दो का अपोजिट पांच, पांच का अपोजिट दो। दो का पूछा है, दो का क्या हो जाएगा, पांच हो जाएगा। तो भाई देखो कितना सरल आंसर है, सिर्फ करना क्या है आपको कि ऐसे दो पासे लेने हैं जिनमें एक सरफेस कॉमन हो। अरे भाई अगर समझ में आया ना तो एक लाइक और एक शेयर तो बनता है ना, एक लाइक और एक शेयर बनता है ना। अगर भाई समझ में आओ, ना समझ में आओ तो नहीं बनता है। जल्दी से बताओ भाई, पांच जिन बच्चों का सही है ना, उन सभी बच्चों को मैं बधाई देना चाहता हूं कि बहुत अच्छे बच्चे आप पढ़ रहे हो, मजा आ गया भाई। सागर, संजय, नीलेश, बढ़िया, बहुत बढ़िया बालक, क्या बात है। नीले सबको आ गया ना, राज, नीलेश, प्रियांश, संजय, कमेंट करके बताओ जल्दी से आ गया ना सबको। जब पासे की संख्या दो से ज्यादा, रोहित आपका भी नाम ले लिया, बहुत बढ़िया। नीलेश, चंद्रेश, क्या बात है। अच्छा पारुल जी कह रहे, एक बार और बता दो बेटा, कुछ नहीं करना है, जब पासों की संख्या दो से अधिक हो, यहां पे पासे चार दिख रहे, क्लियर है बात। तो अभी तक हम क्या करते थे, दो पासे दिए जाते, दोनों में कॉमन देखते थे, जब दो कॉमन होते थे तो डायरेक्ट निकल आता था, जब एक कॉमन होता था क्लॉकवाइज घुमाते थे। तो ऐसे दो पासे लेने हैं जिनमें एक सरफेस क्या हो, कॉमन हो। तो एक सरफेस कॉमन पहले इसके इसके साथ ले रहे थे, तो तीन भी कॉमन था, दो भी कॉमन था, तो ये नहीं लेंगे। तो अगर दूसरा और तीसरा ले ले तो केवल तीन तीन कॉमन है, बाकी कॉमन नहीं है। ठीक है, तो इसको इसको अगर लिया तो तीन एक दो, वही कॉन्सेप्ट, तीन चार पांच, ये कॉमन सरफेस, यहां पर छह आ गया। तो दो का पूछ रहा था, दो का अपोजिट पांच। और अगर बहुत बच्चे सोच रहे होंगे और भी दूसरे ले सकते हैं, तो दूसरे देखो, तीसरा और चौथा देखो, यहां पे कॉमन क्या क्या है, चार चार कॉमन है, क्या क्या कॉमन है बालक, चार चार। तो चार चार कॉमन में चीजें देखो क्या है, बहुत ध्यान से। अब इसमें इसमें देख लो, ए बी अलग एक तरह से, आंसर वही निकलेगा। इसमें कॉमन क्या है, चार चार, तो इसको घुमाओ, चार पांच तीन, फिर उसको घुमाओ, चार दो छः, भाई कॉमन क्या है, चार, हिडन क्या है, एक। पूछ किसका रहा था, दो का विपरीत, तब भी दो का विपरीत क्या निकला, पांच, तब भी दो का विपरीत क्या निकला था, पांच। पासे आप चाहे जो चुनो कोई दिक्कत नहीं है, पासे आप चाहे जो चुनो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए भाई,
सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए। प्रशांत दीक्षित जी कह रहे सर दरोगा बन के मानेंगे, बिल्कुल दरोगा तो बनना ही भाई तुम लोगों को, ठीक है। कितने बजे आते हैं हम लाइव बेटा? हम आते हैं रात्रि के 9:30 बजे, क्लियर बात? चलिए गुड नाइट धौली, अंकित, जगदीश, चलिए बहुत बढ़िया, गगन चौधरी, अरविंद, अरे भाई अगला सवाल फेंका जाए, चल भाई। उम्मीद करते सभी बालक को आ गया होगा अच्छे से, चार पासे फिर बना लो। इसमें सभी का आंसर आना चाहिए तो हम समझ जाएंगे सभी बच्चे ने सीख लिया और किसी का गलत भी नहीं हो रहा है। 3, 6, 2 फिर 2, 6, 4 फिर 6, 5, 4 फिर बालक क्या कह रहा है 4, 1, 2। अब यहां पे आपको क्या बताना है, यहां पे अपोजिट बताना है, 6 का विपरीत अंक क्या होगा, 6 का विपरीत अंक बताओ, जल्दी बताओ। देखते कितने बालक बता पाते हैं, देखते कितने बालक बता पाते हैं, बहुत बढ़िया। ज्योति, शिवा, शिवानी, शबान, क्या बात है। ज्योति जी रेगुलर क्लास लेता हूं मैं रात्रि के 9:30 बजे, बिल्कुल। राजू प्रजापति, ब्रजेश, बानू, रानी जाट, पप्पू पाल, 6 का विपरीत बताओ भाई। वर्षा सिंह का आंसर आ गया, प्रांजोल, क्या बात है। अमित, अंकित, आकाश, शिवानी, क्या बात है, अब तो बिल्कुल मजा आ रहा, लग रहा है कि तुम लोग तो सवाल अब गलत कर ही नहीं सकते हो, तुमने सीखा ही नहीं गलत करना। राधा धाकड़, आपका कैसे गलत हो गया बालिके, चलिए बहुत बढ़िया। विशाल, पंकज, अवनीश, क्या बात है, क्या बात है, सभी का आंसर एक 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 एक, गलत करना तो सीखे नहीं। आर्यन श्रीवास्तव, अच्छा देखो भाई, अरे भाई गगन जी क्लाक की क्लास हम ले चुके हैं, प्लेलिस्ट में जाके देखो, देखो 6 का पूछ तो ऐसे 2 पासों का चुनाव करना है जहां पे एक संख्या कॉमन मिल जाए, 6, 2, 6, 2 ये तो लेंगे नहीं, इसके साथ ये लो, 6, 3, 2, 6, 5, 4 मतलब पहला और तीसरा ले सकते, क्या क्या कॉमन है, 6, 6 तो यहां पे 6 क्लॉकवाइज घुमा दो, 6, 2, 3 इसको घुमा दो, 6, 5, 4 ठीक भाई, ये कॉमन सरफेस है, हिडन सरफेस क्या होगी, 1 क्योंकि 1 ही नंबर गायब है, और 6 का अपोजिट क्या होगा, 1 होगा भाई, 6 का अपोजिट क्या होगा, 1 होगा भाई, ठीक है। संजीव जी क्लास का टाइम जो है रात्रि के 9:30 बजे भाई, ठीक है, कितने बजे, रात्रि के 9:30 बजे, चलिए बहुत बढ़िया। अनुज जी कह रहे हैं मेरे फोन में नोटिफिकेशन आता था लेकिन अटेंड कभी नहीं किया, आज जाना तो आप तो डायमंड है रीजनिंग के, अच्छा बेटा चलो। मानसी राठौर, ज्योति राजपूत, मोनू गोरैया, बहुत बढ़िया। प्रिया, चंद्रेश, सभी बच्चों का बहुत बढ़िया आंसर आ रहा, मजा आ रहा है भाई, अगला प्रश्न बताने के लिए तैयार हो जाओ सभी लोग, बहुत ही जबरदस्त आंसर मैं पूछूंगा, याद रखिएगा। सर जी गर्दा छुड़ा दे अभी, अरे भाई प्रश्न तुम लोग बताओगे, हम थोड़े कुछ बताएंगे, चलो भाई अगला प्रश्न आप बताओगे। चार पासे बना लो जबरदस्त तरीके से, बिल्कुल ब्रांडेड पासे दिखने चाहिए, क्यों, क्योंकि सभी बच्चों का आंसर निकल रहा है और ऐसी कक्षा जिसमें सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं और किसी का गलत नहीं हो रहा, सबसे बड़ी बात यह खुशी लग रही है हमें। 4, 5, 6 क्लियर हो गई बात, फिर 5, 3, 6
फिर एक दो चार, फिर एक चार छ। अब भाई इसमें बताना है तीन का अपोजिट, बताना है कितना, बताना है तीन का अपोजिट, और देखते हैं बालक कितने बच्चों का सही होगा। बहुत बढ़िया दिनेश, आपका भी नाम ले लिया हमने। सत्यम, डेली क्लास चलती है बेटा, फ्राइडे सैटरडे चलती है रात्रि में 9:30 बजे रीजनिंग का, ठीक है, रीजनिंग की क्लास रात्रि में 9:30 बजे, याद रखिएगा। रोहित धौली, बिल्कुल बहुत बढ़िया बेटा। काकुल, पप्पू पाल, अच्छा संगीत जी कह रहे हैं पासा अच्छा बना रहे हैं आप। अरे भाई तीन का विपरीत ज्ञात करना है आपको। देख भाई मेरे, सभी का आंसर कितना आ रहा है, सभी का आंसर क्या आ रहा है? वर्षा सिंह का तीन का अपोजिट आ रहा है चार। आज तो वर्षा सिंह तो धमाल, वर्षा सिंह का एक भी आंसर गलत नहीं हुआ आज, क्या बात है। अगर इसी तरह तुम लोग हर सैटरडे फ्राइडे को रात्रि में 9:30 बजे जुड़ोगे तो रीजनिंग में एक भी प्रश्न सवाल गलत नहीं होगा भाई, ठीक है, चार कंफर्म, क्या बात। गगन चौधरी तो यहां कंफर्म लगा कह रहे हैं, क्या बात है। देखो भाई ऐसे कॉमन लो जिसमें एक चीज कॉमन हो, पांच कॉमन छह कॉमन ये मत लो। फिर यहां पे देख लो, इसको इसको देख लो, पहला और तीसरा, पहले और तीसरे में क्या कॉमन है? चार कॉमन है, चार कॉमन है, तो क्लॉकवाइज घुमा दो, चार पांच छ, वहां घुमाओ चार एक दो। भाई कॉमन क्या है? चार। हिडन क्या है? तीन। पूछ किसका रहा? तीन का। तो भैया चार हमारा भी कंफर्म, चार हमारा भी कंफर्म भाई, ठीक है, चार हमारा भी कंफर्म, आंसर इज द राइट। बहुत बढ़िया, ताबड़तोड़ बैटिंग हो रही है ना, बहुत बढ़िया। मोनू गुरैया, आपका भी नाम लूंगा, क्यों नहीं लूंगा आपका नाम भाई, मजा आ रहा ना भाई, मजा आ रहा तो लाइक ठोको, शेयर ठोको एक बार, और राघव सर का फैला दो कि तो रजनी में आओ, रजनी में पढ़ेंगे, और वादा बता दो करके कि किस दिन 1K आ रही वाचिंग, उस दिन मैराथन क्लास लगा दी जाएगी। जब तुम लोग श्योर हो जाना कि हाँ 10-10 बच्चे जोड़ने की क्षमता हो गई हम लोगों की, अब राघव सर से कहा जाए कि भैया राघव सर आप आइए और 1000 बच्चों को पढ़ाइए, और क्लास में सारे बच्चे जुड़ने वाले हैं। बहुत बढ़िया। अब एक प्रश्न इसी प्रकार करेंगे बालक, बहुत अच्छा, क्या करेंगे देखना। भाई देखो अगला प्रश्न बहुत ही जबरदस्त तरीके से, चार पासे बनेंगे बिल्कुल ताबड़तोड़ अंदाज में। चार पासे बनेंगे बिल्कुल ताबड़तोड़ अंदाज में, ठीक है। देखो भाई पहला क्या होगा? 0 भागित इनटू, ठीक। दूसरे में गुणा माइनस 0, फिर त्रिभुज भागित, और यहां पर क्या है? प्लस है भाई, फिर प्लस भागित 0। जल्दी से बता दो इसमें कि प्लस के सामने वाला चिन्ह क्या है, मतलब अपोजिट नंबर क्या है भाई। बहुत बढ़िया संजय अहिरवार, क्या बात है, नए हो आप लेकिन गर्दा उड़ा दिया आपने, बहुत बढ़िया। थैंक यू भाई, चंचला जी आपके फ्रेंड जुड़ गए, थैंक यू सो मच, चलिए बहुत बढ़िया। पंकज जी करे हिडन तीन कैसे सर, तो हिडन मैं आपको बताना चाहता हूं भाई, हिडन तीन कैसे, पासे में 6 से ज्यादा नंबर तो होते नहीं, ठीक है। बहुत बढ़िया संजय, पंकज क्या बात है, आग लग गई ना, बहुत बढ़िया भाई। डेली 9:30 बजे जुड़ोगे, मंडे टू थर्सडे जीके की क्लास, और फ्राइडे सैटरडे रीजनिंग की क्लास रात्रि के 9:30 बजे, ठीक। 9:30 9:30 9:30 याद कर लो, 9:30 9:30 9:30 भाई, बहुत बढ़िया, क्या बात है, सभी का आंसर आ रहा है, क्या बात है, बिल्कुल सभी का आंसर आ रहा है, क्या बात, तुमने तो चार चांद लगा दी मेरे शेर। प्रशांत दीक्षित, चंद्रेश मिश्रा, मुकेश,
बहुत बढ़िया बेटा, क्या बात है। अरविंद सागर, अरे मेरे लाल, मेरे शेर, देखो प्लस का सामने पूछ रहे ना, पहले तो दोनों में कॉमन देखो क्या क्या कॉमन है। गुड़ा जीरो, गुड़ा जीरो ये लेंगे नहीं, इसको देखते हैं। पहला तीसरा क्या कॉमन है, सिर्फ भागित भागित, बिल्कुल भागित भागित ले लो कॉमन, भागित गुड़ा जीरो, फिर वहां पे भागित प्लस त्रिभुज भाई, ठीक। किसका अपोजिट पूछ रहा, प्लस का, प्लस का अपोजिट क्या हो गया, गुड़ा, गुड़ा इज द राइट आंसर। यहीं पे कहते था त्रिभुज का बताओ, तो त्रिभुज का क्या हो जाता, जीरो। क्लियर हो गई बात, एक एक प्रश्न को मजा आ गया, तोड़ देंगे फोड़ देंगे, ठीक है। चल भाई आगे बढ़ते, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न बहुत ही जबरदस्त तरीके से, ठीक है। देखो भाई अगला प्रश्न क्या है, बहुत ही जबरदस्त तरीके से, फिर चार पासे भरोगे, कितने, चार, चार पासे फिर बनाए जाए यहां पर। अब बहुत ही जबरे अंदाज में पासे चल रहे हैं, ये मान लो आप 100% सीखने वाले हो, अभी पासे खोलने बंद करने सब कुछ बताऊंगा, ठीक है, केवल आप सीखते रहो भाई। चल भाई मेरे पासे के ये हमने चार बनाए, और चार में इस बार के कलर भरते हैं, नीला, लाल और यहां पर गुलाबी भाई, ठीक। फिर देखो काला, नीला, गुलाबी, ठीक। फिर तीसरा पीला, गुलाबी, लाल, पीला, गुलाबी, लाल। फिर चौथा हरा, पीला, लाल, हरा, पीला, लाल। भाई मेरे इसमें बताना है लाल के सामने वाली फलक, मतलब लाल का अपोजिट कलर क्या होगा। जल्दी से देखते हैं कितने प्रश्न आप बता सकते हैं। बहुत बढ़िया भैया, क्या बात है। संजय जी कह रहे हैं दो पासे दियो तब क्या करें। अरे भैया कुछ ना करो, वीडियो को पीछे करके जाके देख लो, सब पता चल जाएगा क्या करें क्या ना करें, ठीक है। बहुत बढ़िया, सुमित, विशाल, विजेंद्र, प्रशांत दीक्षित, कीर्ति पटेल, क्या बात है भाई। लाल के अपोजिट बताना है भाई, मजा आ जाएगा ना। बहुत बढ़िया, विकास, शिवादारा, वर्षा, क्या बात है वर्षा, वर्षा, कीर्ति, तुम लोग तो आज बिल्कुल छा गए, चार चांद लगा दिए, बहुत बढ़िया। नीतू, अच्छा जिनका लाइक रह गया है, क्या किसी का लाइक रह गया तो लाइक ठोक देना, ठीक है। चल भाई सुनील, आर्यन, ब्लैक 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 ब्लैक, किसी का गलत होने का नाम ही नहीं ले रहा है, क्या बात है। इसमें देखो कितनी चीजें कॉमन है, गुलाबी गुलाबी, फिर नीला नीला, ये नहीं लेंगे, इसको देखते हैं। लाल लाल, गुलाबी गुलाबी, पहला चौथा देखो, लाल लाल सिर्फ, ठीक है, तो इसको ले लेते हैं पहला और चौथे को। तो पहले क्या कॉमन है, यहां पे लाल और यहां पर भी लाल, ठीक है भाई। फिर इसको देखो, घुमा दो पकड़ के, लाल गुलाबी नीला, भाई इसको घुमा दो, लाल हरा पीला, ठीक। किसका अपोजिट पूछ रहा था, तो आपको पता अपोजिट किसका पूछ रहा था, और अलग से बच कौन रहा, काला। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप आसानी से बता सकते हो लाल की जगह क्या आ गया, काला, ठीक है, क्या आ गया, काला। क्लियर हो गई बात, और यहां पर भी आप इससे भी बता सकते हो, दूसरे और तीसरे पासे से इससे भी आप बता सकते हो, इससे भी बता सकते हो, कैसे, दोनों में कॉमन क्या है, गुलाबी भाई, ठीक। तो गुलाबी चालू करो, गुलाबी, काला, नीला, इधर भाई देखो, गुलाबी,
लाल और इधर पीला, इससे भी पता चल जाएगा लाल का अपोजिट क्या है, काला। तो कुल मिला के आंसर आपका क्लियर हो गया। भानु प्रताप जी पहले आगे करके वीडियो देखो जाके, आपको पता चल जाएगा भाई कि किसको स्टैंडर्ड डाइस और किसको ऑर्डिनरी डाइस बोलते हैं। बिल्कुल आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में रीजनिंग की जाके सर्च करिए, मिल जाएगी। बहुत बढ़िया मोनू, गगन, अंकित, अब भाई एक बार कमेंट करके बता दो, अभी पासे की एक दो कक्षा और लूंगा जो फ्राइडे और सैटरडे को चलेगी, ठीक है। और लेकिन तब तक जीएच चलेगी, और आपको याद रखना है डेली रात्र में 9:30 बजे जुड़ना है। और भाई समझ में आया हो ना, समझ में अगर आया हो आपको तो दिल से बता रहा हूं, ईमानदारी से बता रहा हूं, अगर आपको लगा हो कि आपके मास्टर ने मेहनत यहां पर की है, विजय केसरी जी को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने एक योगदान भी दिया है क्लास पसंद आने पर, क्या बात है विजय जी। सभी नवाज, संजय, पप्पू पाल, अरविंद, अनुज, चंचला, संजय, भानु, सभी नवाज, टू स्टार, अनिल, दीपक, मुकेश, दीपक, गगन, निधि, सच में लगाओ कि सर ने आज पासा को बिल्कुल क्लियर कर दिया, बेसिक कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर हो गए। और यहीं पे पेपर में प्रश्न आते हैं तो भाई वीडियो को शेयर करना, और डेली 9:30 बजे जुड़कर राघव सर का सपोर्ट करना, और राघव सर की वीडियो को इतना ज़्यादा फैला दो कि पूरा का पूरा आग लग जाएगी। और यहाँ पे जितने भी टीचर से आप पढ़ रहे हो ना, सब अपने आप में एक ब्रांड रखते हैं। और याद रखिएगा यहाँ पे आपको दमदार कंटेंट के साथ मेहनती बंदे दिखेंगे, ठीक है। चलिए मजा आ गया ना भाई, वीडियो समाप्त हो उसके बाद वीडियो में जाके कमेंट करना कि आपको रीजनिंग पढ़ने में मजा आया कि नहीं आया, जबरदस्त लगी कि नहीं लगी। चलिए बहुत बढ़िया, टू स्टार, संजय, दिव्या, प्रकाश, सभी नवाज, चंद्रेश, विशाल, राज, गगन। चलिए हार्ड क्वेश्चन भी कराएंगे गगन जी, परेशान मत हो, ठीक है। चलिए भाई मजा आ गया ना, 5 स्टार, क्या बात है क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल बनेगी, क्लास बन जाएगी, प्लेलिस्ट बन गई है, ठीक है। डेली आपको 9:30 बजे जुड़ना है। अब मिलता हूं मैं आपको, लाइक वाइक रह गया हो तो दबा देना, मर्जी हो 9:30 बजे जुड़ जाना। और अब मिलते हैं आपको एक नई कक्षा के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।